पराठे तो आप सबने बहुत खाए होंगे, पर आज जो मैं पराठा आपको दिखाने वाला हूँ, जो आज पराठा जो हम खाएंगे वो पराठे शायद ही आपने कभी खाए होंगे। तो आज हम आ चुके हैं जयेश भाई के पास, जहाँ पे एक बहुत ही यूनिक पराठा बनाया जाता है। ये यहाँ पे देखिए, इन्होंने घी डालना शुरू कर दिया तवे पर। यहाँ पे घी के अंदर पूरा पराठे बनाए जाते हैं। और देखिए ये पापड़ आ गया है, अभी ये घी पूरा मेल्ट हो चुका है। अब इस पापड़ को हम ये घी के अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए ये पापड़ अभी फ्राई हो चुका है। अब हम चालू करेंगे हमारा पराठा बना। ये देखिए हमारा कैप्सिकम आ गया, अभी हम इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। ये देखिए चॉप कर लिया, प्लेट में आ गया। यह हमारा आलू आ गया, ये हमारा थोड़ा सा धनिया आ गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पनीर, पनीर को पूरा चूरा चूर करके इसके अंदर डाल दिया। ये हमारा चीज़ आ गया, ये हमारा कांदा आ गया, ये मसाला, ये इनके सीक्रेट मसाले हैं जो भी आ गए ये सारे। ये देखिए पूरा मसाला, नमक, हल्दी सब कुछ पड़ गया। ये हमारा थोड़ा इनका चटनी, स्पेशल चटनी होता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये मिक्स कर लिया पूरा अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आएगा पापड़, ये पापड़ को पूरा चूरा चूर करके वही इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए मसाले के अंदर डाल दिया इन्होंने पूरा चूरा चूर करके। अब इसके ऊपर से आएगा चीज़, अब देख सकते हो चीज़ कितनी भारी मात्रा में डाला गया यहाँ पे। अब ये चीज़ को भी और पापड़ को सारा पूरा वही मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे, पराठे के मसाले जो बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पे डाल दिया, अभी ये थोड़ा आटा लगा दिया है, अभी आटे की लोई ले लिया है, इसका ये पेड़ा बनाएंगे। अभी इसको पहले बेलेंगे थोड़ा सा। ये देखिए उसका पेड़ा बना दिया है, अभी उस हम मसाले को ये आटे के लोई के अंदर डाल देंगे। ये देखिए उन्होंने डाल दिया, ये स्टफिंग देखिए कितना मोटा है, ये पराठा कितना हैवी होने वाला आप जान ही सकते, इतनी मोटी स्टफिंग के बाद, इतनी हैवी स्टफिंग के बाद। ये देखिए ये पराठा हमारा तवे पे आ गया। अब इसको ये धीरे धीरे ये घी के अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। अब इस पराठे की हम कटिंग करेंगे, इनकी कटिंग करने की स्टाइल भी बहुत अलग है, पिज़्ज़ा स्टाइल में कट करते हैं ये। अब ये प्लेट के अंदर जाएगा, अब इसके ऊपर भी चीज़ आएगा, पूरे घी और चीज़ में पराठे बनाए गए हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये रायता, ये रायता उन्होंने दे दिया। अब ये इनकी छोले की भाजी होती है जो पराठे के साथ में खाई जाती है। और ये आ गया स्पून दे दिया इन्होंने, देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये पराठा, जयेश भाई का स्पेशल पराठा है। अब इसे हम ट्राई करेंगे, मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा, आप ज़रूर टेस्ट करके बताइए कमेंट में कैसा लगा।